Hello and a very warm welcome to Saurav Sir's classes. आज का tutorial है formation of figures के ऊपर, तो चलिए start करते हैं tutorial से. तो सबसे पहले हम लोग define करेंगे कि हम लोग formation of figures से क्या बोलना चाहते हैं, definition क्या है. Formation of figure एक process है formation या फॉर्म करने का. इट इज ये एक प्रोसेस है फॉर्म करने का डिफाइंड ज्योमेट्रिकल फिगर. और ये हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं, ये हम लोग फॉर्म करते हैं यूज करके पीसेस को जो डिफरेंट डिजाइन के होते हैं. इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स के टाइप के बारे में ज़्यादा फोकस रहेगा. अगर आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को के बारे में और जानना है तो आप हम लोग के प्रीवियस वीडियो को चेक इन कर सकते हैं. इस ट्यूटोरियल में हम लोग टाइप टू डिस्कस करेंगे जो है बेस्ड ऑन साइंस एंड सिंबल. हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोग ने टाइप वन दैट इज़ बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ द फिगर्स वो डिस्कस किया था. अगर आप वो चाहते हैं वीडियो देखना तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं. तो चलिए पहले इसे देखते हैं कि ये टाइप में एक्चुअली होता क्या है, आइडिया लेते हैं. तो ये टाइप जो है ये जस्ट रिवर्स है टाइप वन का. टाइप वन मतलब बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स. जो सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन साइन और सिंबल होते हैं इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन फिगर्स ट्रांसफॉर्म आर टू बी फॉर्म्ड. जो क्वेश्चन में फिगर्स रहते हैं वो आपको फॉर्म करना होगा. Using the pieces of one of the figures. तो एक फिगर पिक करके आपको क्वेश्चन फिगर को फॉर्म करना होगा और ये फिगर दिए रहेंगे आपको आंसर चॉइसेस में. सो इन द आंसर चॉइसेस और कैंडिडेट जो ये कर रहा है He or she is required to find out उसे ढूंढना होगा correct answer figure. So correct answer figure. तो चलिए इस concept को better understand करने के लिए एक example की तरफ बढ़ते हैं. तो question figure है ये, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ये आपको पिक करना है सॉल्यूशन. तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ एक बार फिर से. सो ये एक बॉक्स बना है इस तरह से और इस तरह से और एक साइन. अब चलिए इसे मार्क करते हैं. तो मैं इसे वन टू दूसरे कलर से मार्क करती हूँ तो आपके लिए भी कन्वीनियंट होगा. सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जो सर्कल है उसे मैंने मार्क किया है और ये इलेवन. और मुझे लगता है करेक्ट ऑप्शन विल बी सॉल्यूशन नंबर थ्री. मतलब सारे ये जो नंबर्स हम लोग ने पार्ट्स मार्क किए हैं वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए सी से. तो सी को भी हम लोग इधर ड्रॉ कर लेते हैं यूजिंग ग्रीन इंक.
So we have something like this. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ये थोड़ा चेंज होगा, डिस्टेंस रहेगी, ये साइन, फिर 1, 2. तो हम लोग अभी से मार्क करते हैं, हम लोग के पास 11 होने चाहिए. तो 1 है मेरा ये, 2, 3, 4 आउटलाइन हो गया, ये है 5, 6, 7, 8 सारे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन हो गए. अब हमें सर्कल बनाना है. सर्कल 9 और 10 से दिया है, सो ये 9, ये 10, और आप रिवर्स कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा. सो मैं रिवर्स करके ही लिखती हूँ, क्योंकि इस साइड मैंने 9 लिखा है. तो ये हो गया 9, ये हो गया 10, और 11 है ये साइन. तो परफेक्ट मैच मिल गया. तो मतलब सी होगा करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. सो आई होप ये शॉर्ट ट्यूटोरियल फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स के ऊपर, जहां हम लोग ने टाइप 2 डिस्कस किया है, वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. अगर हाँ तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.